दोस्तों आज की इस नए वीडियो पे आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि ट्विटर अकाउंट जो दुनिया के सबसे बड़े व्यक्ति हैं, बड़े बड़े जो सीईओ है, उसके जो ट्विटर अकाउंट है वो हैक हो चुके थे। ये कैसे हुआ इसकी जानकारी मैं इसमें इस वीडियो में बताऊंगा, और ये इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप अपने मोबाइल को अपने जीमेल अकाउंट के थ्रू उसको अगर सिक्योर रखते हैं तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट या सोशल अकाउंट को सिक्योर रख सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगा लाइव, वो भी कैसे आप अपने अकाउंट को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दोस्तों मैं लेकेश कुमार और टेक ठाकुर जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आओ डिजिटल बने, कुछ नया सीखें। दोस्तों कैसे आप अपने स्मार्टफोन के पैटर्न लॉक के थ्रू आप अपने जीमेल को सिक्योर रख सकते हैं। कैसे आप जो अपने मोबाइल के जो पैटर्न लॉक है, पिन लॉक है, उससे आप सिर्फ अपना मोबाइल को अनलॉक करते हैं। क्या आप जानते हैं कि इस पैटर्न लॉक से आप जीमेल को भी पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि कोई भी हैकर्स आपके अकाउंट को हैक ना कर सकते। तो इसके लिए जानना है आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने लैपटॉप के कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ और कैसे इसकी सेटिंग करते हैं आप सीखिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। इसे सेटिंग करने के लिए हम अपने स्क्रीन पे चले जाएंगे। डेस्कटॉप से आप कोई भी ब्राउज़र खोलेंगे, मैंने गूगल क्रोम खोला है। यहाँ पे आप सिंपल जीमेल को क्लिक करके या www.gmail.com खोल करके आप अपना ईमेल लॉगिन कर लेंगे। ईमेल में दोस्तों वही ईमेल सेलेक्ट करेंगे या लॉगिन करेंगे जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल पर लॉगिन है। जिस ईमेल से आपने अपने एंड्रॉयड मोबाइल पर क्लिक लॉगिन किए हैं उसको क्लिक कर देंगे और उसका पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद सिंपल यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन है, उसे क्लिक करेंगे। पासवर्ड नेक्स्ट करने के बाद लॉगिन होने के बाद जीमेल का डैशबोर्ड खुल जाएगा आपके सामने। राइट साइड पे आप ऊपर में देखेंगे कॉर्नर पे एक जहाँ पे आपका फ़ोटो, जीमेल का फ़ोटो रहता है या बाय डिफ़ॉल्ट जो जीमेल का फ़ोटो रहेगा उस पर मैनेज योर गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है। एक दूसरा पेज खुलेगा जहाँ पे आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा सिक्योरिटी का ऑप्शन, सिंपल इसमें सिक्योरिटी पे क्लिक कर देना है आपको। सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करने के बाद अगला जो ऑप्शन आएगा ये है साइन इन टू गूगल। दोस्तों यहीं पे आपको दो सेटिंग्स करना है, ये देखिए यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन और दूसरा ऑप्शन होगा टू स्टेप वेरिफिकेशन। इन दोनों ऑप्शनों को आपको लॉगिन करना होगा अपने ईमेल के थ्रू, इसे ऑन करना होगा। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे सेटिंग करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम सेटिंग ऑन करेंगे यूज़ योर फ़ोन टू साइन इन। इस ऑप्शन को ऑन करने के लिए राइट साइड पर आप देखेंगे ऑफ का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इसे आप ऑन करने के लिए राइट पे आपको क्लिक करना होगा। सिंपल यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करेंगे, ये सेटअप आएगा, सेट इट अप पे आपको क्लिक करना है सिंपल। फिर से आपको उसी ईमेल को सेलेक्ट करना होगा जिस पे आपका एंड्रॉयड मोबाइल लॉगिन है और उसका पासवर्ड फिर से टाइप करके नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने पे आपका जो एंड्रॉयड मोबाइल है यहाँ पे शो करना चालू हो जाएगा। दोस्तों देखिए जैसे मैंने ये अपना मोबाइल है ये आपका शो कर देगा। फिर से यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए वही ईमेल को सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे सिंपल। थोड़ी देर बाद ये आपके मोबाइल पे एक्सेस हो जाएगा और देखिए दोस्तों इस तरह से आपके मोबाइल पे ये आएगा, उसे यस करना है। जैसे ही आप यस करेंगे यहाँ पे तो ये क्या है कि सिक्योरिटी को एक्सेस करने देता है आपके दूसरे अदर डिवाइस पे लॉगिन करने के लिए। और सिंपल यदि इसे इट वर्क टर्न ऑन इट ऑन ये है, इसे टर्न ऑन कर देंगे सिंपल से। इसके बाद ये सर्विस आपके मोबाइल पे एक्टिवेट हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए ये आपका मोबाइल एक्टिवेट हो गया है। अभी किसी भी दूसरे डिवाइस पे यदि आप लॉगिन करेंगे
तो आपको ये नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे चले जाएंगे। चलिए दूसरी सेटिंग्स देख लेते हैं जल्दी से। तो इसके लिए फिर से आप जीमेल पे जाएंगे। जीमेल पे जाने के बाद फिर से राइट कॉर्नर पे मैनेज योर गूगल अकाउंट, फिर से लेफ्ट साइड पे सिक्योरिटी टैब पे क्लिक करेंगे। नीचे आकर देखते हैं, देखिए ये आपका एक सेटिंग ऑन हो गया। टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इसे आपको क्लिक करना होगा ऑफ पे। अब ये जो प्रोसेस है टू स्टेप वेरिफिकेशन गेट स्टार्ट, ओके पे क्लिक करेंगे। अब जो आपके सामने आएगा ये देखिए, ये आपका मोबाइल यहाँ पे शो करने लग जाएगा, इसे यस कर देंगे। आपके मोबाइल पे फिर से यस का ऑप्शन आएगा, उसे यस करेंगे। ये देखिए इस तरह से आपके जब भी आप किसी अपने मोबाइल पे लॉगिन करेंगे या दूसरे डिवाइस पे लॉगिन करेंगे तो यस करके ये ऑप्शन आता है, इसे यस करना। यदि आप नहीं करेंगे तो आपका जीमेल अकाउंट पे लॉगिन नहीं होगा। इसे एक बार फिर से टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए इसे ट्राई नाउ पे क्लिक करते हैं। आपके मोबाइल पे जैसे ही आप ट्राई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे एक वेरिफिकेशन कोड जाएगा जिस नंबर पे आपका जीमेल अकाउंट एक्टिवेट होगा। यहाँ पे आप टेक्स्ट मैसेज या फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं, मैंने टेक्स्ट मैसेज कर दिया हूँ। आपके एंड्रॉयड मोबाइल आपके मोबाइल पे एक कोड गया होगा, उसे सिंपली यहाँ पे टाइप करेंगे। ये देखिए ये जो कोड है इसे आप टाइप करना है। टाइप करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस पिन को ये वेरीफाई करेगा। यदि वैलिड होगा तो ये जो फीचर्स हैं आपके मोबाइल पे ऑन हो जाएगा। ये देखिए ये टू स्टेप वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया दोस्तों। इसमें बहुत से ऐसे ऑप्शंस हैं, जैसे आप बैकअप कोड ले सकते हैं यदि ये सर्विस एक्टिवेट करते हैं तो, बैकअप कोड, सिक्योरिटी की, ये सारे फीचर्स आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि ये दोनों सर्विसेज को आप ऑन करते हैं, यदि ये दोनों सेटिंग्स को ऑन करते हैं तो आपका जीमेल और आपका एंड्रॉयड बहुत हद तक सिक्योर हो सकता है। हैकर्स को बहुत ही मुश्किल होगा आपके एंड्रॉयड मोबाइल को हैक करने के लिए दोस्तों, क्योंकि सारा डेटाबेस आपका जीमेल के थ्रू चलता है। तो इस तरह से ये सेटिंग्स आप अपने मोबाइल पर कर लीजिए। अगर कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें, मैं पूरी मदद करूंगा आपकी। तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नीचे बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर दीजिए ताकि हमेशा मैं जो भी वीडियो टेक्निकल वीडियो डालूँ आपको सबसे पहले ये वीडियो पहुँचे। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो तक।